अमोक शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश योगी जी का प्रणाम। मित्रों, दीपावली आने वाली है तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, लक्ष्मी संबंधी उपाय मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। आज जो मैं आपके सामने उपाय बताने वाला हूं वो इतना अचूक है, इतना अद्भुत है कि मैंने सैकड़ों लोगों पर इसे आजमाया है, स्वयं भी आजमाया है, ये एक भी बार असफल नहीं हुआ। लक्ष्मी के संबंध में, धन के संबंध में एक भी बार ये कभी निष्फल नहीं हुआ ये प्रयोग। अब आपको क्या करना है, आप अपने घर में लक्ष्मी चाहते हैं, धन की आवक, उसकी निरंतरता चाहते हैं, आपके ऊपर कोई ऋण है उसे हटाना चाहते हैं, तो आप ये प्रयोग, प्लीज ये प्रयोग आप करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ये निर्भर हो सकता है आपके कुंडली के अन्य ग्रहों और अन्य योगों के बल और अबल के अनुसार, लेकिन इसका आपको फायदा अवश्य मिलके रहेगा। बिल्कुल सत्य 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 वचन बोल रहा हूं, करके देखिएगा, होगा। बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे पंडितों, ज्योतिषियों द्वारा, उन सबका मैं सम्मान करता हूं, सबके द्वारा आपको बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए जा रहे होंगे। धनतेरस के उपाय भी मैंने कुछ बताए, दीपावली के भी आपको बताएंगे। ये उपाय आपको दीपावली से शुरू करना है और पूरे एक महीने तक करना है। दीपावली के बाद के अगले एक महीने तक ये प्रयोग आपको करना है। अब आप इससे थोड़ा निराश ना हो जाएं कि अरे बाप रे, एक महीने का प्रयोग है, कैसे होगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल सिंपल, बहुत सरल प्रयोग है, कुछ भी नहीं करना है अलग से, ना कोई मंत्र है ना कुछ। अब आपको क्या करना है, सुनिए। धनतेरस के दिन आपको अपने घर में 15 दीपक मिट्टी के, 15 दीपक घर के अंदर लेकर आने हैं। उन दीपकों को आपको शुद्ध जल में स्नान कराना है, धोना है, थोड़ा गंगा जल उस पानी में मिला सकते हैं आप। इस तरह से वो धुले धुलाए दीपक आप बिल्कुल अलग रख दीजिए। धनतेरस के दिन वो दीपक लेकर आने हैं अपने घर में। धनतेरस के दिन जब आप पूजा करते हैं अपने घर के द्वार की, या इस प्रकार से अगर कोई छोटी मोटी आप पूजा करते हैं, तो धनतेरस के दिन उन दीपकों को लाके उनके ऊपर एक एक कुमकुम का टीका लगाकर रख दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उस लक्ष्मी पूजन के दिन आपको उन 15 दीपकों को अपने सामने रखना है, लक्ष्मी पूजन के अंदर रखना है। उन सब में थोड़े थोड़े चावल पर एक एक रुपए का सिक्का आपको रख देना है। उन मिट्टी के दीपकों में एक थोड़े से चावल, थोड़े थोड़े चावल आप उसके अंदर रखते जाइए, अक्षत रखते जाइए, पूरे चावल, कटे पटे ना हो, पूरे चावल अक्षत बोला जाता है जिन्हें, अक्षत आप रख दीजिए 15 दीपकों के अंदर, उसके अंदर एक एक रुपए का सिक्का आप रख दीजिए। और उन 15 दीपकों की भी उसी प्रकार लक्ष्मी जी की पूजा के साथ आप उनकी पूजा कर लीजिए, टीका लगाकर, और जिस प्रकार से भी आप लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं, धूप दीप पुष्प चढ़ाकर, इस प्रकार से आप उनका अपने नियमानुसार, अपनी श्रद्धानुसार आप उन 15 दीपकों की पूजा कर लीजिए। उनको फिर आप अलग रख दीजिए, पूरी रात वहाँ लक्ष्मी पूजन के सामग्री के साथ वो 15 दीपक पड़े रहे। अगले दिन सुबह उठकर आपको क्या करना है, वो 15 ही सिक्के और वो सारा अक्षत आपको एक सफ़ेद पोटली में मिलाकर, 15 सिक्के और वो सारा चावल, सारा अक्षत आपको सफ़ेद पोटली में बनाकर आप अपने पूजा घर में रख लीजिए, पूजा घर के स्थान पर आप उसको रखा रहने दीजिए। अब करना क्या है, सुनिए। अब आपको शुरू करना है, अगले दिन वो प्रतिपदा हो गई, एकम हो गई ना, अमावस्या के बाद अगले दिन एकम हो गई, दीपावली का अगला दिन एकम हो गया, तो अब उसको शाम के समय, संध्या समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर सही स्थान देखकर घी का पहले दिन एक दीपक लगाना है संध्या समय, अगले दिन दो दीपक लगाने हैं द्वितीय तिथि को, तीसरे दिन तृतीय तिथि को तीन दीपक लगाने हैं,
चौथे दिन चतुर्थी को चार दीपक लगाने हैं, पंचमी को पांच, षष्ठी को छह, सप्तमी को सात, अष्टमी को आठ, नवमी को नौ, दशमी को दस, एकादशी को ग्यारह दीपक, द्वादशी को बारह दीपक, त्रयोदशी को तेरह दीपक, चतुर्दशी को चौदह दीपक और पूर्णिमा को जो है आपको पंद्रह दीपक लगाने हैं। फिर इसी प्रकार से वापस घटते क्रम में आपको क्या करना है, पूर्णिमा के बाद आपको फिर वापस घटते क्रम में, पूर्णिमा के अगले दिन के बाद आपको चौदह दीपक, फिर तेरह दीपक, फिर बारह दीपक, फिर ग्यारह दीपक, दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, महीना पूरा हो जाएगा, आपको वापस अमावस्या आ जाएगी, अमावस्या के दिन वापस आपको एक दीपक पर वो सारा प्रयोग आ जाएगा। इस प्रकार से पूरे महीने में आपको क्या करना है, एक से लेकर पंद्रह दिन तक पंद्रह दीपक बढ़ाते हुए जाना है, फिर पंद्रहवें दिन से सोलहवें दिन से वापस एक महीने तक आपको तीसवें दिन तक घटाते हुए एक 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 दीपक घर के बाहर करना है। बस इतना सा प्रयोग, अंत में आप उन सारे दीपकों को इकट्ठा करके किसी ऐसी जगह पर रख के आ जाइए जहां पर पाँव न लगे या पानी में बहा दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, इतना सा करना है। लक्ष्मी जी से प्रार्थना आप दीपावली के दिन ही कर लीजिएगा कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। देखिए संकल्प बहुत जरूरी, मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बताऊंगा, संकल्प अति आवश्यक है। आप क्यों कर रहे हैं, कोई प्रयोग जब आप कर रहे हैं तो उसके मूल देवता से आप उसकी प्रार्थना अवश्य कीजिए, वो संकल्प अवश्य लीजिए कि हे देवता, हे लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैं अपने घर में धन की इच्छा से मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान कीजिए। इतना सा आपको बोलना होता है, कम से कम इतना आप मन में बोलिए, उसके बाद आप कोई प्रयोग कीजिए। ये प्रयोग आप करके देखिए, अनुभूत, अचूक, अद्भुत, सटीक प्रयोग है, आपको निश्चित रूप से इससे फायदा मिलेगा। अगर आपके ग्रह बहुत अच्छे हुए तो जबरदस्त फायदा आप इससे उठा लेंगे लक्ष्मी के रूप में। आपके ग्रह लक्ष्मी के रूप में बहुत कमजोर हुए, आपके बहुत ही दरिद्र के योग हैं, बहुत ही गरीबी के योग हैं, तब भी आपको इससे आशातीत सफलता मिलेगी। इसको करने के बाद आप अपने मन में संतुष्टि अवश्य आएगी कि हाँ यार, इतना धन तो मेरे पास आ गया, इतने खराब योग होने के बावजूद, कितनी भी खराब कंडीशंस हो, ये उपाय काम करेगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कोई बात समझ में न आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप पूछ सकते हैं। उपाय करके देखिए, अवश्य सफलता मिलेगी। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उदित आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।